brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अमेरिका ने एक बार फिर से दुश्मन देश पाकिस्तान को गले लगाकर भारत की पीठ पर छुरा घोप दिया है और अमेरिका ने ये बता दिया कि वो चीन की तरह ही डबल गेम खेलना कभी नहीं छोड़ सकता। अब आप कहेंगे डबल गेम अमेरिका, जी हाँ, ये प्रमाण देखिए, ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का, जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए बता दिया कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत की है और प्रतिबद्धता जताई है कि यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा में अमेरिका काम करेगा। देखा ना आपने, अमेरिका का ये है डबल गेम। यहाँ अमेरिका को याद नहीं आया कि वो भारत को अपना पक्का दोस्त बताता है, लेकिन उसकी हरकत चीन से कम नहीं है। अब इस ट्वीट के सामने आने के बाद अमेरिका पर तो कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अमेरिका के फिर से पाकिस्तान को लेकर प्रेम जागने के बाद भारत के एक्सपर्ट्स इस पर बड़ा बयान देने लगे। अब इनको जानिए, ये है भारत के फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट सुशांत सरीन, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मजबूत और समृद्ध साझेदारी, हम सभी ने देखा कि 2001 से 2021 तक ये साझेदारी कितनी मजबूत थी। जहां तक समृद्ध की बात है, इसने यानी साझेदारी ने जनरलों को समृद्ध किया। पापा जॉन्स पिज्जा रेस्टोरेंट्स, सैन्य जनरलों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, फैंसी अपार्टमेंट, और इसने पाकिस्तान के लोगों को कैसे गरीब बना दिया। लेकिन हाँ, अपनी कल्पना को जीवित रखें और भीख हासिल करते रहें और बगीचे के रास्ते पर शाही सवारी करते रहें। तो ये था पूरा बयान भारत के एक्सपर्ट का। लेकिन अमेरिका इस साल लगातार भारत के साथ डबल गेम खेल रहा, क्योंकि इससे पहले बाइडेन ने शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी थी। जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखकर पाकिस्तान का लगातार समर्थन करने का इरादा जताया। बाइडेन ने पत्र के जरिए कहा है कि हमारे लोगों को दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे राष्ट्रों के बीच परमानेंट साझेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है और अमेरिका समय की सबसे गंभीर वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक विकास तक पहुंचने के भविष्य के लिए हमारी दृष्टि को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका मानवाधिकारों की रक्षा और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक साथ मिलकर हम अपने राष्ट्रों के बीच एक मजबूत साझेदारी और अपने लोगों के बीच संबंध बनाना जारी रखेंगे। तो ये था पूरा बयान बाइडेन का। हालांकि अमेरिका की हरकतों से भारत अच्छे से वाकिफ है। आज पाकिस्तान के पास जो भी हथियार है, आधे से ज्यादा अमेरिका ने दिए हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की मरम्मत के लिए $700 मिलियन दिए थे और तर्क दिया था कि ये डॉलर्स पाकिस्तान को आतंकियों से मुकाबला करने के लिए दिया गया है। लेकिन ये बात भारत समझता है कि आखिर अमेरिका ने ये चाल क्यों चली है। अमेरिका की हरकतों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।